बाद आया था। अगर मैं बात करूं बाइनेंस की, तो बाइनेंस की एंट्री अगर आप देखो तो आज भी मेटामास्क पे जब आप बाइनेंस से ट्रांजेक्शन करोगे तो इनकी एंट्री नहीं दिखाता है। ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जिनके सामने हम लोग अभी कुछ भी नहीं है, चाहे वो इथेरियम हो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेननेट, चाहे वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज हो, लेकिन हम लोग इस काम को बखूबी तरीके से अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज लगभग जितना भी काम है आज की डेट में हम लोग अपना कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब हम अपने क्वाइन ट्रांजेक्शन, एनएफटी क्रिएशन, टोकन क्रिएशन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डीपी और डीएफ, ये जितने भी चीजें मेन नेट के अंदर होती है, हाइपर लेजर, ये हम इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और इसका एक्सप्लोरर भी तैयार हो चुका है जो कि लाइव हो जाएगा। अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो ब्लॉक्स ऑलरेडी रिक स्कैन के अंदर लाइव हैं, जिसमें आपको सारे ब्लॉक क्रिएशन दिखते हैं। कई करोड़ ब्लॉक्स हमारे अभी तक इस टेस्टिंग फेज के अंदर बन चुके हैं, जो कि ये दर्शाता है कि जो हमारा नेटवर्क है, जो सिस्टम है, वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। अभी हमने 15 तारीख को चीजें जब लाइव करी अगस्त में, उसके बाद से आज तक 74 करोड़ के आसपास ब्लॉक हमारे इस मेन नेट के अंदर क्रिएट हो सके हैं, जो कि आपको बहुत ही जल्द उसके अंदर जो हमारा एक्सप्लोरर है उसके अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इंटीग्रेशन की, चाहे वो इंटीग्रेशन आपका जो मार्केटिंग कंपनी है उसके अंदर हो, चाहे वो इंटीग्रेशन आपका मेटामास्क के अंदर हो, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर हो, सीएमसी के अंदर हो, क्वाइनगेको के अंदर हो या एक्सचेंज के अंदर हो, सारी जगह पर हमने लिस्टिंग स्टार्ट कर दी है और बहुत ही जल्द हम लोग सारी जगह पर जो हमारा रियल लाइफ डेटा है वो आपको दिखने लगेगा, टेस्ट नेट वाला डेटा हट के। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सीएमसी के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, हमने अपने आप को स्विच करा है मेननेट क्वाइन के अंदर, जिसकी एपीआई क्रिएट होने में, जिसको लाइव होने में थोड़ा सा समय लगता है, चीजों को टेक्निकली सॉल्व करने में, जिसको हम लोग बना करके सारे जितने भी हमारे सीएमसी और क्वाइन गीको और जितने भी ये वेबसाइट्स हैं, मार्केटिंग वेबसाइट हैं, उनके अंदर हमने अपना डिटेल आज के दिन सारा मेल कर दिया है और ये बहुत ही जल्द से जल्द सारी चीजें वहां पर अपडेट हो जाएंगी। एक्सचेंज के अंदर हमने आरा विड्रॉल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, डिपॉजिट की एपीआई और सर्वर नोड सेटअप हम उनको दे चुके हैं, जिसके अंदर वो निरंतर काम कर रहे हैं। थोड़ी सी समस्या आ रही है क्योंकि ये जो क्वाइन है ये पीओए टेक्नोलॉजी पर है, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर अभी कोई भी करेंसी नहीं आई है, कोई भी मेननेट नहीं आया है। ये मेननेट वेब 3 के ऊपर डिजाइन है, जो कि अभी कोई भी मेननेट नहीं आया है जिसके ऊपर, तो टेक्नोलॉजी नहीं होने की वजह से बहुत सारी चीजें एक्सचेंजेस को बनानी पड़ रही है अपने उस एक्सचेंज के अंदर। अगर हम सोलाना की बात करें, जब सोलाना अपना मेन नेट लेकर के आया था, अगर आज भी हम सोलाना की बात करें तो सोलाना का विड्रॉल अभी भी कई सारे एक्सचेंजेस के अंदर से नहीं होता है। जो अगर हम बात करें इंडिया का पॉपुलर एक्सचेंज वजीर एक्स, उसके अंदर से भी अभी सोलाना का विड्रॉल नहीं होता है, वो किसी ना किसी दूसरे क्वाइन पर कन्वर्ट होकर के विड्रॉल होता है। ये इस वजह से होता है क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसे बनाना बहुत आसान नहीं होता है, उसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत इजी टू यूज है, जिसके वजह से जो यूनाइटेड एक्सचेंज है इसको बहुत ही जल्द अपने अंदर इंटीग्रेशन कर लेगा। आज भी हमारी उनकी टीम से जूम मीटिंग हुई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि हम जल्द से जल्द सर एक आध दिन के अंदर हम इसे लाइव कर देंगे। डिपॉजिट हमारा विड्रॉल चल रहा है और ट्रेड चल रही है, केवल और केवल जो डिलीवरेबल जो हमारा डिलीवरी रह गई है वो रह गई है एक्सचेंज पर डिपॉजिट फर्स्ट फेज पर। सेकंड फेज पर हमारा एनएफटी टोकन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होना लोगों के लिए, इंटरनल हम सारी चीज बना चुके हैं और कर चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले जूम मीटिंग के अंदर बताया था कि हम लोग अपना डिसेंट्रलाइज जैसा मेटामास्क जैसा एक वॉलेट भी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें हम मल्टीपल करेंसीज जो डिसेंट्रलाइज हो सकती हैं, जो मेन नेट की करेंसीज हैं या टोकन्स हैं हमारे, हम उसके अंदर उसको लिस्ट कर सकते हैं इजीली। तो ये जो आज इतने बड़े काम, ये मतलब
जो टेक्निकल नहीं होंगे या जिनको थोड़ी सी उसके बारे में नॉलेज नहीं है या जो केवल इन्वेस्टर हैं, अगर उनको मैं बताना चाहूँ तो सर ये बहुत बड़ा काम हम लोग ने कर लिया है और केवल आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। अगर आप लोग इतनी तेजी से इतनी बड़ी कम्युनिटी तैयार ना करते तो हमारे लिए ये करना इम्पॉसिबल होता। शायद 1.5 साल बाद भी हम इसको डेवलपमेंट मोड पर ही लेकर आ पाते अगर हमारे पास इतने लोग ना होते। आज इतने सारे लोग होने की वजह से हमारे ऊपर भी प्रेशर आया, लोगों के ऊपर भी प्रेशर आया कि किसी ना किसी तरीके से मेन नेट लॉन्च करनी है, और जो कि इतिहास में आज के टाइम पर किसी भी मार्केटिंग कंपनी को आप देख लो, कोई भी मेन नेट किसी के पास भी नहीं। ये केवल और केवल एक अब इन्वेस्टमेंट का जरिया नहीं रह गया है, ये केवल क्वाइन ट्रांजेक्शन का जरिया नहीं रह गया है, ये अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो चुका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, जिसके अंदर बहुत सारे लोग अपने टोकन बनाएंगे, बहुत सारी कंपनियां अपने DApp बनाएंगे, बहुत सारे लोग अपने DeFi App बनाएंगे, बहुत सारी चीजें इसके अंदर होने वाली है, बहुत सारी चीजें बनने वाली हैं। आप लोगों ने 3 महीने संयम के साथ जो हमें टाइम दिया, जो हमें डिलीवरी करने के लिए, बनाने के लिए, आप लोगों ने समझा चीजों को, वरना बहुत ही मुश्किल होता है कि 3 महीने तक लोगों को वेट कराना। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें समय दिया और हमने अपनी सारी चीज डिलीवर करी। अब केवल और केवल रनिंग पोजीशन में आने में जो हमें एक दिन का टाइम लगेगा, बस वो लगेगा, इसके बाद हम लोग बहुत तेज दौड़ने वाले हैं। हमारे सारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे जितने भी बैकएंड के प्रोजेक्ट्स हैं, सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं, फ्रंट एंड पर सारे काम चल रहे हैं, जिसके लिए अब हमें कोई भी टाइम टेकिंग या टाइम लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे अंदर कोई बग आ रहा है या हम कोई चीज करने में सक्षम नहीं है। तो मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ इतनी बड़ी कम्युनिटी को तैयार करने के लिए और एक इतिहास रचने जाने के लिए, जो जिस कदम पर हम आगे बढ़े हैं उसमें आप लोग का सपोर्ट देने के लिए, और जो मेरा सपना था मेन नेट बनाने का उसको इतनी जल्दी पूरा करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपका। और ये मेरा वादा है कि जो मेरा मेन नेट बनाने का सपना था वो जो पूरा हुआ, तो मैं ये भी वादा करता हूँ कि आप सबके जो सपने हैं आज वो जरूर से जरूर विकीजा के साथ पूरे होंगे। ऐसी कामना के साथ मैं इस अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अपने होस्ट को मैं बोलता हूँ कि इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं और कुछ अपडेट्स जो मिस्टर मनीष उपाध्याय जी, राजीव सेलोपाल जी देना चाहते हैं वो आपके सामने रखें, और जल्द से जल्द अब हम लोग रेगुलर जूम मीटिंग में रेगुलर कम्युनिकेशन YouTube के अंदर जितने भी हमारे सोशल मीडिया पेजेस हैं सब जगह पर एक्टिविटीज स्टार्ट, और एक YouTube चैनल के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है हम लोग देना स्टार्ट करने वाले हैं एक दो दिन के अंदर, जहां पर आपको डेली हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक अपडेट मिलना स्टार्ट होगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सपोर्ट करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, और अब हम और आप मिल करके एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाले हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों की तरफ से मैं अपने आप को बधाई देता हूँ और हमारे होस्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं, और मनीष उपाध्याय जी को जो भी अपडेट्स देनी है वो आकर के, राजीव सेलोपाल जी वो आकर के आप लोग को दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, फिर से धन्यवाद।